राधे राधे मित्रों, हम अपनी चांदनी के फूल दिखा रहे हैं, पेड़ दिखा रहे हैं, पर आज हम इसको ये बताएंगे कि इसकी कैसे परवरिश की जाती है। ये देखिए, मेरा अभी ये 4 माह का चांदनी का पेड़ है। इसका ये देखिए, सब अपने घर का पेंट वाले से डिब्बा से मैं डाल दी हूँ, पर तब भी हरा भरा बना है। इसको देखिए, मैं पत्ता डाल करके मल्चिंग कर दी हूँ कि जैसे तेज धूप हो तो इसके पौधे में न दिखे। और इसको मैं आज गुड़ाई कर दे रही हूँ। गुड़ाई करके इसमें चींटी बहुत लगने लगी थी, आज मैं इसमें चींटी ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेगा। बताऊंगी क्या करने से सारी चींटियाँ हट जाती हैं, तभी तो पेड़ की सेफ्टी रह पाएगा, नहीं तो धीरे धीरे करके चींटी जड़ तक पहुँचेगी और खोखला कर डालेगी, हमारे सारे पौधे सूखने लगेंगे। तो इसको हम देख रही हूँ कैसे इसकी हम क्या क्या मैं इसमें डाल दूँ कि चींटी हट जाए यहाँ से और मेरे पेड़ की सेफ्टी रहे। ये है मेरे घर के किचन का हल्दी, जो मैं अपने किचन में डिब्बे में से यूज करती हूँ डेली खाने के लिए, वही हल्दी मैं आज लाई हूँ। वही सी हल्दी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐसे ऐसे करके गिराती रहूँगी। इन हल्दियों को मैं इसी इसी करके गिराती रहूँगी। तो हल्दी गिराने से क्या होता है, चींटियाँ सारी भाग जाती हैं, पेड़ पौधे सारे बने रहते हैं। कभी कभी तो कुछ तो करनी पड़ेगा, क्योंकि चींटी आती है, फंगस आते हैं, इसे फंगस भी ख़त्म हो जाते हैं, चींटी भी ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे सारे करके मैं वो सारे अगल बगल में डाल दे रही हूँ। फंगस इसलिए आ जाते हैं, इसमें वही जो ऑर्गेनिक खाद पड़ती है किचन वेस्ट से, तो उसी से फंगस आ जाते हैं। बारिश के महीने में ज़्यादा, तो बारिश तो इस समय हो ही रही है, तो इसके फंगस करने के लिए मैं इसमें हल्दी को डाल दूँगी। डाल करके ऐसे छोड़ दूँगी, सारे फंगस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, हमारा पेड़ हरा भरा बना रहेगा। सब देखिए, मैं हल्दी तो सब में डाल दी हूँ, पूरे में डाल दी हूँ। ये जो देख रहे हो इधर इधर छोटा छोटा पत्ता है, पत्ते को मैं इसलिए डाल देती हूँ, छोटा छोटा सूखा पत्ता, कि जैसे धूप ज़्यादा कभी कभी होती है, बारिश जब ख़त्म हो जाती है तो धूप से मेरे पूरे मिट्टी सब सूख जाते हैं, सूख जाते हैं तो पेड़ भी सूखने के डरते, इसलिए मल्चिंग कर देती हूँ मैं इसको, डाल डाल करके मल्चिंग कर देती हूँ। अब देखिए, मेरा सारा हल्दी डाल करके मल्चिंग करके कंप्लीट कर दी हूँ, मैं गुड़ाई कर दी हूँ पेड़ में। इसीलिए अभी तो 4 महीने के है, पर बेचारा और कितना दे, छोटा सा पेड़ है, तब भी देखिए कितने कितने फूल इसमें सब आ रहे हैं। ये सब आ रहे हैं, देखिए इधर से देखो, इधर से देखो, सारे फूल को मैं देख रही हूँ, सब इसी में आ रहे हैं। इधर से अभी सब कलियाँ हैं, फूल हैं, इधर से कलियाँ फूल हैं सब। तो बगैर गुड़ाई किए, मल्चिंग किए, बगैर इसमें कुछ दवा डाले, ऑर्गेनिक खाद डालती हूँ, ऑर्गेनिक दवा डालती हूँ, सब घर का इलाज से मैं अपने पेड़ पौधे को तैयार करती हूँ।